मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और उन्हें आगामी 5 अक्टूबर को आगरा में होने वाले सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का न्योता दिया। गोरखपुर में नवरात्र के पावन पर्व पर सीएम ने पूरे विधि विधान से सप्तमी पर कालरात्रि माता की पूजा अर्चना की। सहारनपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि योगी सरकार में निरंतर एनकाउंटर हो रहे हैं। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बागी तेवर देखने को मिले। राजभर ने कहा कि एक दिन पीएम मोदी राजभर के बेटे को सीएम बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राजभर ने साथ ही अगले राज्य पर कहा कि पूर्वांचल राज्य 27 जिले का राज्य होगा और पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर का बेटा ही सीएम होगा। इस्तीफे के बाद बीएचयू के पूर्व चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि जेएनयू से आए लोगों ने बीएचयू में लड़कियों को हिंसा करने के लिए भड़काया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते जेएनयू और हैदराबाद से असामाजिक तत्व कैंपस में आए थे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रोयाना सिंह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का चीफ प्रॉक्टर बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली महिला चीफ प्रॉक्टर हैं। आगरा के सिकंदरा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुठभेड़ में सिपाही राकेश घायल हो गया। गोंडा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की गुंडागर्दी देखने को मिली। जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कवरेज करने आए पत्रकार को डॉक्टर ने बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने गालियां देते हुए पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। मेरठ में एक कलियुगी बेटे ने प्रॉपर्टी और पैसों के लिए अपनी बूढ़ी माँ की पीट पीट कर हत्या कर दी। जहां जमीन के बंटवारे को लेकर माँ और बेटे में काफी वक्त से विवाद चल रहा था। महोबा में भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होने से गुस्साई जिला पंचायत सदस्य अपने बेटे के साथ आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गईं। ग्राम समाज और ग्रामीणों की कई एकड़ जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है। आगरा में छापेमारी करने आए सिपाहियों पर जुआरियों ने हमला बोल दिया। जुआ खेल रहे दबंगों ने डंडों और पत्थरों से दोनों सिपाहियों पर हमला किया। हमले के बाद किसी तरह दोनों पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। फतेहपुर के मलवा कस्बे में एक महिला का आरोप है कि उसकी दोस्त के रिश्तेदार ने उसके साथ तमंचे के बल पर रेप किया और जब महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो पुलिसकर्मियों ने उसे इंसाफ देने के बजाय थाने से भगा दिया। इलाहाबाद के यमुनापार इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जहां 2 आरोपियों ने युवती को उसके गांव से अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी। शाहजहांपुर में डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया था जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हरदोई के टडियावार थाना क्षेत्र में 2 बहनों का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से पुलिस युवतियों के माता पिता से पूछताछ कर रही है। लखीमपुर में एक मुस्लिम ने रामलीला के लिए कपड़े सिलकर अनूठी मिसाल कायम की है। मुस्लिम होकर भी मुन्ने मियां पिछले 60 सालों से रामलीला के सभी पात्रों के कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं। वाराणसी के बीएचयू में लड़कियों पर हुए लाठीचार्ज से शहर की महिलाएं काफी आहत हैं, जिसे लेकर नवरात्रि के मौके पर पूजा पंडालों में बीएचयू के वीसी को महिषासुर का रूप दे दिया गया। चंदौली में लोगों ने पोर्टल पर राशन को लेकर शिकायत की, बावजूद इसके अधिकारियों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वहीं इस मामले में जानकारी मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।